नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मुख्य परीक्षा के फॉर्म है आपके कब आ जाएंगे। जैसा मैंने बहुत सा डाटा एनालिसिस किया है यूट्यूब पर और यूनिवर्सिटी के पिछले जो फॉर्म आते हैं उनको देखते हुए मैंने आप सभी के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है मेरा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी संबंधी डाला जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनसे मेरा फिर से ये निवेदन है कि कृपया नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तथा आप उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख लें। और जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरी बात तभी आपके समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जैसा मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मुख्य परीक्षा फॉर्म जो आपके प्राइवेट एंड रेगुलर के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब आएंगे। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसा पिछले वर्ष जो लॉकडाउन वगैरह लग रहा था उसके अनुसार जो थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा डिले हो गया था फॉर्म, तो वो आपके फरवरी मंथ में देखने को आपको मिले थे, यानी कि फरवरी 2021 में। और मैं आपको डेट भी कंफर्म करा दूँ तो 20 फरवरी 2021 में आपको नोटिफिकेशन मिला था कि आपके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं और सभी छात्र छात्राएं अपने फॉर्म फिल कर दीजिए और कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, ऐसा एक नोटिफिकेशन देखने को मिला था। तभी मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया था कि आप अपना जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले वर्ष की जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आए थे वो आपके 20 फरवरी 2021 को आए थे, और उनका इतना लेट आने का कारण यह था कि पिछले वर्ष कोरोना और लॉकडाउन वगैरह की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। परंतु मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष डिले नहीं होगा। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि ओमिक्रॉन जो वेरियंट है कोविड का वो आ गया है, उसको देखते हुए लॉकडाउन वगैरह लगा सकती है सरकार। परंतु अभी तक ऐसी कोई भी सूचना देखने को नहीं मिली है कि जिसमें यह कहा गया हो कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू जो है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है, परंतु अभी पूर्णतः लॉकडाउन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि चुनाव भी जो है वो आने वाले हैं। तो चुनाव को देखते हुए आपके जो परीक्षा फार्म है वो जल्द ही निकाल दिए जाएंगे। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि दिसंबर के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब दिसंबर का लास्ट आ गया है और अभी तक आपको देखने को नहीं मिले हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको जनवरी के लास्ट में या फिर जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के शुरू में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जो लेट हुआ था सेशन उसकी वजह से इस बार भी थोड़ा लेट हो सकता है। और जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, वो आप सभी देख लीजिए। मैं उस वीडियो को मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको देख सकते हैं और पूरा प्रोसेस जान लीजिए किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको फ़ी जमा करानी है और कैसे आपको प्रिंट आउट उसका करना है। आप फॉर्म अपने फ़ोन से भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि साइबर कैफ़े या फिर किसी कंप्यूटर वाले भैया के पास जाकर ही आप अपना फॉर्म फिल कराएं, वो आपसे चार्ज लेगा और इतना ज़्यादा काम इसमें नहीं होता है। तो आप अपने फ़ोन से या फिर अपने पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर से अपने घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने फुल डिटेल में आपको बताया हुआ कि आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो एक बार आप जाइए उस वीडियो को देखिए, और कुछ भी बात समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए तथा ट्विटर व्हाट्सएप सब पर हम आपको कस्टमर सपोर्ट देते हैं। आप कहीं पर भी हमारे सवालों का जवाब पा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तथा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिए, वहाँ पर आपके सभी के सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ। तो फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका फॉर्म जो है वो जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और आपको बता दूँ कि फॉर्म भरने का जो समय रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, तो जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो जल्द से जल्द भर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी डेट जो है वो एक्सटेंड होगी। तो जितना समय अवधि दी जाएगी उसमें ही आपके फॉर्म सबमिट करने होंगे। तो फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर भी अवश्य कर दीजिए।